हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी रेड लिंटन कबाब। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये रेड कलर का जो मसूर दाल आता है, मसूर दाल एक बाउल पानी में वॉश करके हाफ एन आवर्स भिगो के रख देती हूँ। दो तीन बार वॉश करके हाफ एन आवर्स छोड़ देती हूँ। रेड लिंटन कबाब बनाने के लिए सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। रेड लिंटन बा मसूर दाल को मैं पानी में भिगो के रखा था, पानी सोख करके लिया। दो चम्मच ऑयल यूज करूंगी। वेजिटेबल में कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम, अनियन बारीक चॉप करके रखा। दो इंच जिंजर और एक ग्रीन चिली यूज करूंगी। एक चम्मच हरी धनिया बारीक चॉप करके रखा। ड्राई मसाला में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। ग्राइंडर का जार में जो रेड लिंटन भिगो के रखा था ऐड कर दिया। जिंजर और ग्रीन चिली पहले पीस के रेडी कर लेती हूँ। पीस के रेडी कर लिया, इसमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं किया। बाउल में निकल लेती हूँ। बाउल में निकल लिया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। पैन में आधा चम्मच ऑयल ऐड करके अच्छी तरह से स्प्रेड कर देती हूँ और गर्म होने के लिए रख देती हूँ। गर्म होते जो सारे वेजिटेबल चॉप करके रखा था ऐड कर देती हूँ। और अच्छी तरह से उनका फ्राई करके सॉफ्ट कर लेती हूँ। और जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो भी ठीक से ड्राई हो जाएगा और सारे वेजिटेबल भी सॉफ्ट हो जाएगा। वेजिटेबल सॉफ्ट हो गया, थोड़ा क्रंची रहेगा तो भी कबाब में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस टाइम गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। वेजिटेबल ठंडा हो गया, जो पहले से पीस के रखा था रेड लिंटन को उसमें ऐड कर देती हूँ सारे वेजिटेबल। साथ में हरी धनिया ऐड कर देती हूँ और जो ड्राई पाइसेस लिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और सारे मसाला ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स करके मिश्रण तैयार कर लेती हूँ। सारे मसाले के साथ वेजिटेबल और रेड लिंटन अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। अभी कबाब बना लेती हूँ छोटा छोटा पोर्शन लेके। कबाब मैं सैलो फ्राई करूँगी, इसके लिए दो चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। छोटा छोटा पोर्शन लेके कबाब बना लेती हूँ। ऐसे सारे कबाब को बना के तैयार कर लेती हूँ। गरम हो गया, कबाब को सेलो फ्राई होने के लिए रख दिया। ऐसे बनाती जाऊंगी और फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फ्लिप करूंगी। एक साइड फ्राई हो गया और फ्लिप कर लेती हूँ और दोनों साइड कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूँगी। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। दोनों साइड बहुत ही अच्छा फ्राई हो गया और प्लेट में निकल के रखती हूँ और सेम प्रोसेस में सारे फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। सारे रेड लिंटन कबाब बन के रेडी हो गया, गैस बंद कर देती हूँ। सारे कबाब को प्लेट में निकल के रखती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, आप लोग डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं ऑयल कम खाने के लिए ऐसे सैलो फ्राई बनाया। इसमें टेस्ट का कुछ चेंजेस नहीं होगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। टेस्टी हेल्दी रेड लिंटन कबाब बन के रेडी हो गया। टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया, बहुत ही हेल्दी है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।